वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप एवरी वन इज फिट एंड फाइन और आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले जो आप देख रहे हैं, डाउट किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल, कि जो आपके शक होते हैं अपने आप के लिए वो आपके जो ड्रीम्स है उसको ज़्यादा किल करते हैं। जितनी बार आप फेलियर होंगे उतना ज़्यादा आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा और जहाँ तक आप पहुँच चुके वहाँ तक आपको पहुँचने की जरूरत नहीं, बस वहीं से आपको शुरू करना है। मान लो ये आपकी मंजिल है, यहाँ पे आप आके फेलियर हो जाते हैं तो अब सिर्फ आपको इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी है बस। इसको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लेके चलोगे तो आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे। और ये आपके एग्जाम्स वगैरह सिर्फ सक्सेसफुल आपको नहीं बनाते, आपकी पूरी ज़िंदगी में आपने क्या कुछ किया है, कितनी आपकी रेस्पेक्ट वगैरह है, कितना आप अपने आप के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, वो सारा कुछ आपका सक्सेसफुल आपको बनाता है। तो आज हम बात करेंगे, हालांकि मैं कट ऑफ पे कभी भी वीडियो नहीं बनाता क्योंकि बिफोर द एग्जाम वी कांट एनालाइज द एक्चुअल कट ऑफ और मे बी फ्लक्चुएट कर जाए और उससे किसी बच्चे को हर्ट हो, तो इसलिए हम कट ऑफ पे वीडियो बहुत कम बनाते हैं। लेकिन पिछले 2 महीने से बच्चों का कमेंट था कि कट ऑफ पे वीडियो बनाइए, और अब जो लड़कियों का PST आया है उसको एनालाइज करके बस एक आइडिया दे दीजिए हमें कि हम कितने क्वेश्चंस ठीक करें। मिनिमम, मैक्सिमम की बात नहीं होगी, सिर्फ मिनिमम, क्योंकि यहाँ पे अगर आप स्टैंड कर गए और आपके कुछ एक नंबर है क्वालिफिकेशन के या फिर सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के, तो आप कहीं ना कहीं अपना सिलेक्शन श्योर मान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, 2018 का एग्जाम हुआ था, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल शायद 7200 के अराउंड पोस्ट थे, एग्जैक्ट डाटा मुझे याद नहीं, आप अपने लेवल पे चेक कर लेना। उसमें जो फाइनल सिलेक्शन था जनरल कैटेगरी की, कैटेगरी भी से जनरल की बात करेंगे और सारी शायद इससे कम थी, उसका सिलेक्शन हुआ था शायद 56 क्वेश्चन या 57 मार्क्स पे, क्वेश्चन नहीं मार्क्स, 56 क्वेश्चन के लिए 70 वो बनते हैं आपके, 70 क्वेश्चन ठीक करोगे तो इतने मार्क्स बन जाते हैं। तो 70 क्वेश्चन आपने ठीक किए थे तो आपका फाइनल सिलेक्शन था, चाहे आपके पास सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया हो, कुछ भी हो चाहे ना हो, 70 क्वेश्चन। तो यहीं से हम अपनी अब वाली कट ऑफ को एनालाइज करेंगे, क्योंकि गर्ल्स का और आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है, उससे हम आपको एनालाइज नहीं कर सकते। उनका एग्जाम पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज था, वो अगर वो मानो तो सबसे हार्ड एग्जाम वही था जो गर्ल्स का 19 की शिफ्ट में था। हालांकि जो नॉर्मलाइजेशन हुई HSSC में बहुत ज़्यादा गलत है, ये डिस्क्लोज भी नहीं किया HSSC ने कि किस बिहाब पे हमने नॉर्मलाइज किया है। नेगेटिव मार्किंग जो होती है वहीं पे, एक्चुअल जो नॉर्मलाइजेशन होती है वहीं पे उसका फायदा उठाते हैं बच्चे, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव मार्किंग में भी नॉर्मलाइजेशन कर दिया। तो सबसे पहले हम अब की बार 2021 के लिए मेल कॉन्स्टेबल, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और बाकी सब अपने इससे नीचे रखना, लेकिन एक टारगेट सेट करो कि 70 क्वेश्चन हमें जो एग्जाम में ठीक करने हैं, उससे आपका PST कोई भी नहीं रोक सकता, आइदर वो कितना भी हार्ड लेवल हो, क्योंकि 70 क्वेश्चन ठीक करने एग्जाम प्रेशर में अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो आप सबसे पहले 70 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा करोगे तो अच्छा है, 70+, लेकिन 70 क्वेश्चन मिनिमम। अपने जो मॉक्स दे रहे हो उसमें देखो कितना स्कोर आपका आ रहा है, 75 to 80 अगर आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में है, क्योंकि जो आपके मॉक्स बनाती है कोई भी कोचिंग हो, सबको अप्रिशिएट करता हूँ, वो थोड़ा सा लेवल ऊपर लेके चलते हैं HSSC से, HSSC थोड़ा सा लेवल नीचे रखती है। वन लाइनर क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेडिवल इंडिया पे क्वेश्चंस नहीं उठा रही, एंशियंट इंडिया आपका करंट अफेयर पे फोकस ज़्यादा है, तो उसी पैटर्न को फॉलो करो। और जो पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप एक भी मत छोड़ना बस। तो 70 क्वेश्चन हम किस माइंड सेट से ठीक करें इस पर हम फर्दर एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि क्या होता है आपने 99% बच्चों के साथ एक कॉमन मिस्टेक है, वो है कि जो एग्जाम प्रेशर में 5 क्वेश्चन गलत होते हैं उसे आज तक न कोई बच्चा रोक पाया है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसे रोक भी नहीं सकते। उसमें इंक्लूड है आपका गलत, जो जैसे 4 ऑप्शन है उसमें गलत मार्क कर दिया, फिर अगर ऑनलाइन एग्जाम में तो हम दूसरा अगर जो सही उसे ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो गलती हो गई तो हमारा एक नंबर गया। सेकंड थिंग कि हमें सोच क्या रहे थे और गलती से वो ऑप्ट कर दिया, तो ये जो एग्जाम प्रेशर के कारण जो सिचुएशन आपके साथ क्रिएट होती है ये आपको सिलेक्शन से दूर करती है। तो इस पर हम वीडियो बनाएंगे किस तरह आप इससे थोड़ा सा हेल्प मिल सकती है, अगर 5 क्वेश्चन की जगह आपकी सिर्फ 2 ही गलत हों तो 3 नंबर आपके बेनिफिट मिल चुके हैं। और बहुत सारे बच्चों के साथ मैंने देखा कि 10-10 क्वेश्चन आते हुए गलत हो जाते हैं,
तो उसको कैसे प्रोसीड करना है, हम जरूर उस पर वीडियो लेके आएंगे। तो अब के लिए सिर्फ आप 70 क्वेश्चंस एटलीस्ट मिनिमम, किसी बच्चे के अगर 65 आ रहे हैं तो वो भी बिल्कुल निराश ना हो, वो आपका लेवल ऑफ एग्जाम बताएगा। लेकिन मैंने वहाँ पे बस आपको एक कॉन्फिडेंस देने के लिए कि 70 क्वेश्चंस का टारगेट लेके चलो, इससे अब लेके आओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो 70 क्वेश्चंस 56-57 मार्क्स आपके आने चाहिए, और वो तो कितना भी हार्ड एग्जाम हो 60 क्वेश्चंस पे भी आ सकता है फिजिकल, किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन करेगी HSSC वो भी डिपेंड करता है। लेकिन कॉन्स्टेबल के एग्जाम में एक बात श्योरिटी जरूर है, अगर आपको फिजिकल आता है तो आपका कोई भी फाइनल सिलेक्शन नहीं रोक सकता अगर आपके पास 5 नंबर एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि 70% बच्चों के पास अभी 5 नंबर नहीं रहे। किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन की है तो 4 नंबर उसके, पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो 3 उसके, इतने नंबर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसमें जो मेनली एस्पिरेंट है वो सिर्फ 12th पास है, तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए और कुछ एक टारगेट बना लो आपने 70 तक का, और आराम से एग्ज़ाम देना। और एग्ज़ाम प्रेशर को किस तरह हैंडल करनी है उस पर हम ज़रूर वीडियो बनाएं, क्योंकि उस पर वीडियो बनाना ज़्यादा, एग्ज़ाम से पहले वाले दिन बच्चा क्या करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, सोचता है ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ, तो उन चीज़ों से कैसे बचना है उस पर हम वीडियो लेके आएंगे। आई थिंक 20 अक्टूबर तक वो वीडियो आ जाएगी, तो वो ज़रूर आपको हेल्प करेगी। अपने दिमाग को कैसे शांत रखना है वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ये कट ऑफ एग्जैक्ट बिल्कुल भी नहीं है, कभी ये सोचो कि यही कट ऑफ जाएगी, वो आपका एग्ज़ाम होने के बाद कैसी कैसी शिफ्टें आती हैं आपकी, लेकिन 70 क्वेश्चंस इज ए गुड टारगेट। तो आई होप आपको थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर मिलेगी, और अगर आप थोड़ा बहुत भी स्कोर ऊपर नीचे हो रहा तो बिल्कुल मत घबराइए, वो इतना ही जाएगा। अगर मैंने 70 बता दिया तो ये 65 भी जा सकता है, 72 भी, वो आप पर डिपेंड करेगा किस तरह का आपका एग्ज़ाम आया है, कितना डिफ़िकल्टी लेवल है। लेकिन आज तक HSSC के कोई भी एग्ज़ाम में ऐसा एग्ज़ाम नहीं गया है जिसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया गया जब आपने 70 क्वेश्चंस ठीक कर लिए हों, तो बस उसी भी यहाँ पे हम बोल रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।